आज बिल्लाह ने शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो आपने देख ली होगी गैस के हवाले से, ये वीडियो जो है ये भी मैं बना रहा हूँ आपका गैस ही है। इसमें पिछले में जो है वो मैंने अरिथमेटिक के बारे में आपको गैस दिया है, लेकिन इसमें जो वीडियो ना वो मैं आपको गैस दे रहा हूँ अलजबरा के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं जो है आपका ये वाला गैस पेपर जो है ये तीन वीडियोज़ में आप लोड कर रहा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो अलजबरा में देखें, और हाँ आपको ये बता दूं कि ये जो गैस का जो रिसोर्सेज हैं या जो ये क्रेडिट जाता है वो जाता है सर सुफियान को, ठीक है। ये उनका बनाया हुआ गैस है जो यहाँ पे मैं जो हूँ वो अपलोड कर रहा हूँ। अगरचे आप मेरे चैनल से जो है इसको देख रहे हैं, लेकिन गैस जो है ये उन्होंने बनाया है, ठीक हो गया जी। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अब जो है आपके अलजेब्रा पोर्शन में जो है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देख लेनी है कि डेफिनेशंस जो हैं वो आपने सारी की सारी करनी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो वाली डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दी है। तो आपने इन डेफिनेशंस को जो है वो नहीं छोड़ना, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपकी स्क्रीन पर ही हैं, आपने इनको जो है वो देख लेना है। कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, बाकी सभी डेफिनेशंस को आपने देखना है, लेकिन इन वाले डेफिनेशंस को जो है वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपकी एक्सरसाइज नंबर, ये मैं आपको यहाँ पर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन ही अभी बताऊँगा, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज नंबर है 5.2, ठीक है। आपने अपनी बुक जो है वो खोल लेनी है और साथ साथ निशान जो है वो लगाते रहने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इनको जो है आपने देख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी यही सेम है जो पहले के थे, 1 और 3 जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आप जो है बाकी सवालों को आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 1, ठीक हो गया। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 में से कुछ नहीं है, आपने छोड़ना नहीं, आपने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है ना आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं आपके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है, इसको आपने जो है वो किसी भी सूरत में आपने मिस नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लें और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में से जो इसका इम्पॉर्टेंट है ना वो पार्ट 1 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में से जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट नंबर 1, 3 और पार्ट नंबर जो है 5, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आपकी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 की तरफ, सॉरी ये 5.2 होगी, हाँ। अब इसके हम कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आप देख लें आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के, वो हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी जो बात है वो क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो पार्ट 3, 5 और 6 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और अगर हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज आपकी वही 5 है, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी,
ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो मिस नहीं करना है। ठीक हो गया, अब चलते हैं जी हम आपके जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया आपका 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 का जो एक्सरसाइज है आपकी 6.1। ठीक है, 6.1, तो चलते हैं 6.1 की तरफ। ठीक है, तो बच्चों 6.1 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 और उसके बाद है पार्ट नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको आपने जो है वो मिस नहीं करना। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है पार्ट नंबर 1 और उसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसको भी आपने जो है वो मिस नहीं करना। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं आपके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक हो गया, ये मैं आपको बता रहा था शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या बता रहा था शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जो है अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो है लॉन्ग क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 और 6.3 पर। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज नंबर है 6.2। ठीक है, तो 6.2 के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं पहला, ठीक है, चौथा, उसके बाद है आठवां, पहला चौथा आठवां, उसके बाद है पार्ट नंबर 11 और उसके बाद है 16, पार्ट नंबर 16। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन 6.2 के। अब बात करते हैं हम 6.3 की। ठीक है, तो 6.3 में जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 10, 11 एंड 6, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के दे सकता है इन एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज नंबर 6.2 में से और एक्सरसाइज नंबर 6.3 में से, इन्हीं में से वो आपको SQ भी दे सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक दफ़ा आप इसको फिर जो है वो देख लें, ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसको देख लें, उसके बाद जो है आप चैप्टर नंबर 5 को देख लें अच्छे तरीके से, कोई चीज़ जो है आपने मिस नहीं करनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अलजबरा। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको गैस दूंगा ज्योमेट्री का, तो उसके लिए यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।